तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं मालपुआ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा मालपुआ, साइड में हल्का सा क्रंची है और बीच में बहुत ही सॉफ्ट है। ये खाने में इतना अच्छा लगता है। आज का जो मालपुआ है विदाउट चाशनी का है, तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जितना टेस्टी है खाने में, बनाने में भी उतना ही आसान है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अश्विनी किचन। मैं हूं कविता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रेसिपी। तो क्योंकि आटा का मालपुआ बना रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आटा। ये नॉर्मल जो रोटी खाते हैं हम, वही आटा है। एक कटोरी से थोड़ा सा कम है। अब जो बचा हुआ भाग है उसको सूजी से भर देंगे और एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें इसको डाल देंगे। अभी हम मिक्स करेंगे इसको। और ये है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से मालपुआ में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सो आधा चम्मच डाल दिया है मैंने इलायची पाउडर। और ये है सौंफ का पाउडर, एक चम्मच है। इसको भी मैंने सिलबट्टे में पीस लिया था। कुछ कुछ पाउडर है और हल्का सा ये क्रश हुआ है, तो इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये है चीनी। चीनी उसी कटोरी से लिया है मैंने जिस कटोरी से आटा लिया था, उसका 1/4 कटोरी लिया हुआ है। तो चलिए पहले मिक्स कर लेते हैं सारा ड्राई इंग्रेडिएंट को। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए मिक्स हो गया है हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट। अब हम बैटर बनाएंगे। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हल्का गर्म दूध लिया है। अगर उंगली डाल के देखेंगे तो आपका उंगली सहन कर पाएगा उतना। यहाँ पे मैंने गाय का दूध लिया हुआ है और साथ में जो मलाई बनता है दूध का, वो भी साथ साथ में डाल दिया है। इसे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको आगे एक इंग्रेडिएंट बताऊंगी। तो मैंने मलाई भी डाला है और वो इंग्रेडिएंट भी डाला हुआ है, तो इससे हमारा जो मालपुआ है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हुए हमें इसका बैटर बनाना है। तो ये देखिए एक कप पूरा दूध यूज हो गया है, लेकिन बाद में हमें और भी दूध की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो बैटर है अभी गाढ़ा है। अभी इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने सूजी डाला है तो सूजी फूल जाएगा। जो क्योंकि मालपुआ का जो बैटर होता है वो थोड़ा पतला होता है, तो इतना मालपुआ के लिए हमें लगभग आधा लीटर दूध लग जाता है। उसे थोड़ा कम लगता है, लेकिन आधा लीटर लेकर चलेंगे तो अच्छा होगा। तो चलिए अब मालपुआ में और भी रिचनेस लाने के लिए हम डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम। ये देखिए, तो ये जो अमूल क्रीम है ये हमारा मालपुआ का रिचनेस बढ़ा देता है। तो आप ज़रूर डालिएगा। ये आसपास कहीं भी आपके सामने कोई भी दुकान हो वहाँ पे आराम से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। सो इसको स्किप मत कीजिएगा, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बना के। तो इसको भी अच्छी तरह से फिट लेंगे हम और इसका लम्स फ्री बैटर बनाएंगे हम। तो ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है अभी मुझे इसका जो बैटर है, ये फूलने के बाद में और भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा दूध डाल दिया है मैंने। और तो अब इतना इसका जो कंसिस्टेंसी है, अब ये देखिए थोड़ा सा पतला है, लेकिन बाद में ये और भी फूल जाएगा, तो इसीलिए मैंने हल्का सा पतला रखा है। इसको ढक के रख देंगे आधा घंटा के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं आधा घंटा के बाद में हमारा बैटर। ये देखिए सारा सूजी फूल गया है, हमारा जो बैटर था वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको एक बार इस तरह से पहले फिट लेंगे, उसके बाद में और दूध डाल के इसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे। तो आधा कप और दूध यूज़ किया है मैंने और इसका एक पतला सा हमारा जो मालपुआ का बैटर है बना लिया है। इसका कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरह का होना चाहिए, फ्लोई, लेकिन थोड़ा पतला ही है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मालपुआ बनाना। तो यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है और 3 बड़ा चम्मच डाल दिया है घी। घी बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे हम, आप घी की जगह पे तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए घी बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब हम डालेंगे बैटर। ये देखिए बैटर डालते समय एक ही जगह पे डालना है हमें, करछी को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। एक जगह पे जस्ट जहाँ पे आप फर्स्ट गिराएंगे वहीं पे गिराते रहना है कंटिन्यूसली, ये अपने आप फैल जाएगा। इसीलिए हमने जो बैटर है थोड़ा सा पतला बनाया था। बैटर डालने के बाद हम इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जैसे ही ये पक जाएगा अपने आप ऊपर आ जाएगा, उसके बाद में ही हम इसको पलटेंगे।
तो ये देखिए एक साइड से पक गया है, मालपुआ अपने आप ऊपर आ गया है। मैंने पलट दिया इसको, देखिए कितना जालीदार हमारा मालपुआ बना हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपका भी इसी तरह से बनेगा। तो ये रेडी हो गया है, अब मैं निकाल दूंगी एक प्लेट में। एक्स्ट्रा ऑयल घी जो भी है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद में एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारा मालपुआ बना लूंगी। तो अभी तो मैंने पैन में आपको मालपुआ बना के दिखाया है, अगर आपके पास इस तरह का पैन नहीं है तो क्या करेंगे, वीडियो को देखते रहे, मैं बताऊंगी अभी आपको आगे। इसी तरह से मैंने कुछ मालपुआ तो बना लिया है, अगर आपके पास इस तरह का पैन नहीं है तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये है रोटी बनाने वाला तवा, ये तो सबके घर में होता ही है। अगर आपके पास इस तरह का ना हो तो जो आयरन का तवा होता है उसमें भी बना सकते हैं। तो पैन को गर्म कर लिया है मैंने, डाल दिया है घी। अब जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम फ्लेम को लो कर देंगे और डालेंगे बैटर। ये देखिए एक करछी ले लिया है मैंने, बैटर डालने का सेम तरीका है, एक ही जगह पे डालिए, बैटर अपने आप फैल जाता है। आपको जितना बड़ा मालपुआ चाहिए उतना ही क्वांटिटी में बैटर डालिए, बस इससे बड़ा चाहिए तो दो करछी डाल दीजिए एक साथ में। तो लेकिन बहुत ज़्यादा बैटर डाल के बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं बनता है, सो इस बात का ध्यान रख के छोटा छोटा ही बनाएंगे हम। तो ये देखिए अब हमारा मालपुआ लगभग पक गया है, तो इसको निकाल लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या घी है उसको यहीं पर निकालेंगे, उसके बाद में हम एक प्लेट में रख देंगे। तो इसी तरह से मैं सारा मालपुआ बना के तैयार कर लूंगी। तो इसी तरह से मैंने सारा मालपुआ बना लिया है, चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल फूड होने के कारण मैं ट्रेडिशनल थाली में ही इसको सर्व करूँगी। ये देखिए हमारा मालपुआ बनके तैयार हो गया है, अब इसको गरम गरम खाइए या ठंडा करके खाइए, जैसे भी खाइए बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए कितना जालीदार हमारा मालपुआ बनके तैयार हुआ है। सो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को फॉलो करके। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।